हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने फाइल को या किसी भी इमेज या फिर वीडियो को कैसे हम अपने कैनवा वेब में यहां पे कैसे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे इमेज को। तो सबसे पहले हम कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे, कोई भी डिज़ाइन को। तो मैं यहाँ पर रिसेंट में जो भी डिज़ाइन है मैं इसको यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेता हूँ। और अगर हमें इसमें कोई इमेज को इंपोर्ट कराना है तो हम यहाँ पे इमेज में जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से हम उसको इमेज को यूज करें, अपने पर्सनल इमेज को कैसे हम इसको इंपोर्ट करें, कैसे यूज करें। तो आज मैं उसी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने किसी भी डिज़ाइन या फिर किसी भी टेम्पलेट में अपने इमेज को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ अभी एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको अपना इमेज यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे जो अपलोड मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से अपने पीसी में जहाँ पे भी इमेज रखा होगा आपने उसके लोकेशन पे जा करके आपको यहाँ पे इमेज चूज करना होगा। तो आपको कोई जो भी इमेज यहाँ पे लगाना है तो आप उस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे ये लगाना है तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा और इस यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओके कर लूँगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो चुका है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से इसको ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज़ कर लें। जैसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी सेव के अंदर ये इमेज मास्क हो रहा है। अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर करेंगे देखो बैकग्राउंड में मास्क हो रहा है, बट हमें छोड़ना नहीं है माउस को। यहाँ पे हमें क्लिक कराना है इस शेप के अंदर में, तो हम उस शेप पे ले जाकर के इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे वो इमेज यहाँ पे उसमें क्लिप हो जाएगा ऑटोमेटिक्स यहाँ इस शेप में। तो डबल क्लिक करेंगे तो हमें उस इमेज का प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको इजीली वे में क्रॉप कर सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे अप एंड डाउन जैसे भी आपको करना हो। तो मैं इसको इमेज को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करता हूँ और ये करने के बाद आपको कहीं भी बाहर आके क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इजीली में हमारा इमेज इंपोर्ट होकर के किसी भी प्रोजेक्ट में हमने कैसे यूज किया। तो मैं आपको इसको दोबारा बता देता हूँ कोई सी और भी डिज़ाइन में यूज करके। तो चले जाना है आपको यहाँ होम स्क्रीन पे और किसी भी यहाँ पर सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी। जैसे ये इस इमेज पे कोई भी ले लेते हैं जो हमारा फ्री हो। यहाँ पे ऑलरेडी सब के सब पेड हैं, कोई हम फ्री देखेंगे। तो इंस्टाग्राम पोस्ट में देख लेते हैं, शायद हमें यहाँ पे फ्री में मिल जाए। जैसे हम ये वाला डिजाइन ले लेते हैं, हम इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। सेम प्रोसेस हमें वही करना है, हमें चले जाना है सबसे पहले अपलोड्स की मीडिया में। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड मीडिया में इस पर क्लिक करेंगे। हमें जो भी इमेज को यहाँ पे करना है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे ये करना है, क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो देख रहे हैं कि ये इमेज यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है या अपलोड हो रहा है। हमें बस ड्रैग करके यहाँ पे इसको यूज करा देना है और डबल क्लिक करके हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। बस हमें यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है और इसमें भी हम कोई दूसरा इमेज इंपोर्ट कराते हैं जैसे ये वाला, हम इसको कर लेते हैं। बस डबल क्लिक करना है हमें इस इमेज को, बस एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं हम किसी भी कितने आसान तरीके से अपने किसी भी इमेज को हम इंपोर्ट करा करके अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे अपलोड की मीडियम अपलोड के ऑप्शन पे जा करके हमें इमेज को बस यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करके देन यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर लेना है।
सिंपल सा तरीका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।